मक्का मदीना मुस्लिम लोगों के लिए सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लाम की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। यहाँ दूर दूर से हर साल लाखों लोग मक्का की जियारत करने और हज की अदायगी करने के लिए आते हैं। मक्का सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित है। बताया जाता है कि यहाँ की आबादी 20 लाख के आसपास है, लेकिन यहाँ हर साल पूरी दुनिया से 60 लाख लोग हज के लिए आते हैं। इस मुल्क में ज्यादातर लोग हज इंडस्ट्री में ही कार्य करते हैं, जो पूरे साल हज और उमरा पर आने वाले यात्रियों को सुविधा देने का काम करते हैं। मक्का में सबसे पाक माने जाने वाली इमारत काबा है। यह ग्रेफाइट पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 35 फीट चौड़ी इमारत है और इसमें कोई भी खिड़की नहीं बनाई गई है, बस एक दरवाजा बनाया गया है। बताया जाता है कि यह इमारत 1400 साल पुरानी है, लेकिन मुस्लिम लोग इसको हजरत इब्राहिम के समय से जुड़ा मानते हैं। दुनिया में मौजूद सभी मुस्लिम लोग काबा की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं, जो बहुत ज्यादा खास बात है। लेकिन मक्का शुरू से ही ऐसी जगह नहीं थी। कुछ वक्त पहले तक ये वीरान थी, बिल्कुल बंजर, बिल्कुल खाली। आई नो कि मेरी बातों पर आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस जगह का इतिहास और ये जगह पहले कैसी हुआ करती थी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मक्का मदीना की आधारशिला आज से 1400 वर्ष पूर्व पैगंबर साहब के द्वारा रखी गई थी। ये बाहर से चौकोर कमरानुमा इमारत दिखाई देती है, जिस पर काला लिहाफ चढ़ा हुआ है। इसके चारों तरफ मस्जिद बनी हुई है। इसमें हज के लिए आने वाले सभी मुस्लिम अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने गुनाह की माफी मांगते हैं। मक्का में पैगंबर साहब के चरणों के चिन्ह भी मौजूद हैं। इन्हें भक्तों के दर्शन के लिए रखा गया है। दरअसल मक्का मदीना सऊदी अरब के हज का शहर है। मक्का साम्राज्य के शासक की राजधानी है। समुद्र सतह से 277 मीटर जीना की घाटी पर शहर से 70 किलोमीटर भीतर मौजूद है। 2012 तक वहां पर लगभग 2 मिलियन लोग रहते थे। हालांकि इसके 3 गुना लोग हर साल इसे देखने आते हैं। ज्यादातर मुस्लिम लोग धूल अल हिज्जा के बारे में लूनर की हज की यात्रा पर जाते हैं। कहा जाता है कि यह मोहम्मद का जन्म स्थान है और कुरान की पहली आकाशवाणी का भी स्थान है। मक्का से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत खास गुफा भी है। इस्लाम धर्म में मक्का को सबसे पवित्र शहर माना जाता है। मक्का में इस्लाम धर्म के लोग इसे काबा का घर भी मानते हैं। मक्का पर लंबे समय तक मोहम्मद के वंशजों ने शासन किया है, जिसमें शरीफ भी शामिल हैं, जो स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। मक्का का निर्माण 1925 में किया गया था। प्राचीन काल से ही मक्का धर्म और बिजनेस का सेंटर रहा है। ये संक्रिय बलुई और अनुपजाऊ घाटी में बसा हुआ है। यहाँ पर कभी भी बारिश नहीं होती, लेकिन शहर का खर्च यात्रियों से मिले टैक्सेस वसूल कर किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर पत्थर से बनी हुई एक बहुत बड़ी मस्जिद भी है। काबा की पूर्वी कोने में जमीन से लगभग 5 फुट ऊंचाई पर पवित्र काला पत्थर मौजूद है। मुस्लिम यात्री यहाँ आकर काबा के साथ चक्कर लगाते हैं और उसके बाद इसे चूमते हैं। पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थल मक्का मदीना को कहा जाता है। हालांकि इसके बाद मक्का वासियों से झगड़ा हो जाने की वजह से बाद में मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। मोहम्मद साहब के पहले मक्का का व्यापार मिस्र देश में होता था। मस्जिद के पास की जमजम का पवित्र कुआं है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने शिष्यों को अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए अपने संपूर्ण जीवन में एक बार मक्का आना जरूरी बताया है। दुनिया के सभी क्षेत्रों में मुस्लिम लोग पैदल, ऊँटों पर, ट्रक आदि से यहाँ आते हैं। इस क्षेत्र में कोई युद्ध नहीं हो सकता और ना ही कोई पेड़ पौधा काटा जा सकता है। हालांकि दोस्तों, बहुत लोग ये भी दावा करते हैं कि मक्का में पहले मंदिर था, जिसे तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई गई है। पूरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने हाल ही में ये दावा किया था। उन्होंने कहा था कि मक्का में मंकेश्वर महादेव मंदिर का विध्वंस करके मुस्लिम शासकों ने मक्का बना दिया। हिंदू समाज उसे लेकर रहेगा, क्योंकि मंकेश्वर महादेव हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य चल रहा है। जल्द ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। हालांकि ये बात तो सच है कि मक्का मदीना से जुड़े कई ऐसे रहस्य और फैक्ट्स हैं जिसे दुनिया का हर मुसलमान बताने से कतराता है। लेकिन क्यों? इसी का पता लगाने एक हिंदू शख्स यहाँ पहुंच गया था। तो आखिर क्या हुआ, इसके साथ आइए जानते हैं। दोस्तों, इस्लाम को ना मानने वाले लोगों को यहाँ आने की अनुमति नहीं दी जाती है, और कहा यह भी जाता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति यहाँ आने की गुस्ताखी करता है तो वो सही सलामत वापस नहीं जा पाता है। दरअसल भारत के केरल के एक शख्स का वाक्य आपको बताते हैं, जो हिंदू होने पर मक्का पहुंचा था। ये किस्सा केरल के बहुत बड़े उलेमान ने सुनाया था, जो उमराह करने के लिए गए थे। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के रहने वाले शख्स, जिसका नाम रमेश था, सऊदी अरब के हिजाज शहर में नौकरी करता था। हिजाज में रमेश अपने दोस्त सिद्दीक के साथ रहता था। हिजाज में रहने के दौरान रमेश इस्लाम से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ।
उसे वहाँ के लोग और उनका रहन सहन बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। वो अपने मन से पूरी तरह से इस्लाम को कबूल चुका था। जब रमेश केरल वापस आया तब उसके दिल से इस्लाम के प्रति प्रेम बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था, जिसके बाद रमेश ने इस्लाम कबूल करने का मन बना लिया। रमेश ने सबके सामने कबूल किया कि इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है और इस मजहब में हर व्यक्ति को इज्जत दी जाती है, और वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहा है। और फिर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करते ही रमेश ने अपना नाम बदलकर मुजम्मिल रख लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद वह एक मुस्लिम की तरह 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा और इस्लाम की दी गई नसीहतों पर चलने लगा। फिर उसके दिल में मक्का मदीना की जियारत करने का ख्याल आया और उसने उमरा पर जाने की इच्छा जाहिर की। खुदा अपने सच्चे बंदों की इच्छा हमेशा पूरी करता है। खुदा ने मुजम्मिल की यह इच्छा पूरी भी की, जिसके बाद मुजम्मिल ने अपने नए नाम से अपना पासपोर्ट बनवाया और मक्का मदीना की जियारत के लिए पहुंच गया। रमेश जो हिंदू से मुस्लिम बना था और जो मुजम्मिल के नाम से उमरा करने जा रहा था, उसके मन में इस्लाम को लेकर ऐसी इच्छा थी जो हर मुस्लिम के मन में होती है कि वो अपनी आखिरी सांस मक्का मदीना में ही ले और उन्हें वहीं दफन किया जाए। मुजम्मिल के मन में भी यही इच्छा जाहिर हुई और उसने दिल से दुआ की, ऐ खुदा, मैं तेरे दर पर आ रहा हूँ, मुझे वहीं अपने आगोश में ले लेना, मैं किसी भी हाल में वहां से वापस नहीं आना चाहता हूं। जब उसके मन में ऐसी कैफियत हो गई तो उसने अपना कफन भी अपने साथ रख लिया और उमरा के लिए निकल पड़ा। पहले मुजम्मिल मक्का पहुंचा और वहां उमरा के सारे अरकान किए। उसके बाद वहां मदीना पहुंच गया, जहां वह 2 दिन तक रहा। यहाँ रहने के दौरान भी वो यही कहता रहा कि खुदा मुझे अपने आगोश में ले ले, मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता हूँ। दोस्तों, खुदा ने उसकी इच्छा भी कबूल कर ली। सुबह वो फर्ज की नमाज अदा कर रहा था और सजदे में गया तो फिर उठा ही नहीं और उसका दम वहीं निकल गया और उसको वहीं दफना दिया गया। दोस्तों, खुदा हर उस शख्स की ख्वाहिश पूरी करता है जो उससे सच्चे दिल से दुआ मांगता है और अपने ईमान का पक्का होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।